Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 1.1, and it is the sixth part. The statement of the question is x square minus 2x minus 195 is equal to 0. Karna ye hai ki is puri ki puri equation ko by completing square solve karna hai. Solve karne ka ye matlab hai ki is puri ki puri equation mein jahan jahan hamare paas x yani hamare paas variable hai, variable ki value ko humne find out karna hai. So hum ye dekh rahe hain ki yahan pe is puri equation mein hamare paas sirf ek hi variable hai jo ki x hai. So humne x ki value ko find out karna hai. x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे जैसा कि यहां पे नजर आ रहा है कि लास्ट क्वेश्चन में हमें यहां पे इसको किसी चीज के साथ जैसे यहां पे अगर 3x के था लास्ट क्वेश्चन में तो 3 से डिवाइड करना पड़ा लेकिन ये फर्स्ट सबसे लेफ्ट को जैसे मैं देख रहा हूं तो इस इक्वेशन में ये एक कंप्लीट स्क्वायर है सो इस क्वेश्चन में हमने करना सिर्फ ये है कि यहां पे ये जो -2x है क्योंकि ये जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैं बताता आया हूं जितने भी क्वेश्चन हमने किए कि अगर यहां पे ये जो x वाली जो भी रकम होगी अगर ये माइनस में है तो हमारा फार्मूला a-b वाला लगेगा अगर ये प्लस में है तो ये फार्मूला a+b वाला लगेगा यानी a-b का होल स्क्वायर या a+b का होल स्क्वायर अब ये फार्मूला यहां पे हमारे पास क्योंकि ये -2x है तो फार्मूला a-b होल स्क्वायर का लगेगा अब a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर सो सिंपली हमने इस फार्मूला के मुताबिक अब यहां पे वैल्यूज को पुट अप करना है जरा देखिए यहां पे करना सिर्फ ये है कि ये जैसे आपके पास a स्क्वायर है सो ये आपके पास यानी a आप अज्यूम कर लें कि सबसे पहले आपके पास a = x है सो ये a स्क्वायर है सो ये x स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस यानी a स्क्वायर ये आ गया माइनस 2ab सो ये 2 into a हमारे पास x है सो मैंने यहां पे x रख दिया अब इसको किस यानी b कुछ ऐसा रखना है कि अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस 2x ही बन जाए जैसे कि यहां पे मेरे पास ऑलरेडी -2x बन चुका है सो मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं यानी 1 को एज ए b ले लेता हूं ये देखें 2ab b को मैंने 1 ले लिया अब 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी कर दिया -195 = 0 आ जाएगा चलें इसको जरा थोड़ा सा देखते हैं और देखते हैं इसे इसके अंदर ये देखें ये x स्क्वायर है -2x ये सारे के सारा -2x आ जाएगा अब ये प्लस 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये -195 बिल्कुल इसी तरह से आपके पास आ जाएगा अब ये देखिए यहां पे x स्क्वायर माइनस यानी a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर यानी a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर अब अगर मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट करके लिखूं अब इसे मैं स्क्वीज कर दूं तो इसका ये मतलब है यानी इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो इसका ये मतलब है कि अब ये आपके पास a-b होल स्क्वायर आ जाएगा a-b होल स्क्वायर का ये मतलब है कि ये आपके पास आ जाएगा x - 1 यानी x a माइनस ये फार्मूले वाला b आपके पास 1 है सो x - 1 होल स्क्वायर आ जाएगा अब यहां पे -1 है यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा सो ये -1 और -195 दैट विल एक्चुअली रिजल्ट इनटू -196 सो ये x -1 होल स्क्वायर यहां पे ये माइनस साइन है यानी -196 है ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर यहां पे आया तो ये 1 प्लस 196 हो जाएगा अब ये 196 जो है इसको हम 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं यानी 14 का स्क्वायर लिखने का सिर्फ मकसद ये था कि यहां पे भी स्क्वायर है यहां पे भी स्क्वायर बन जाए ताकि हम इसे स्क्वायर रूट ले सके तो अगर आप ये 14 का स्क्वायर ओपन करें तो ये 196 ही आएगा सो अब यहां पे दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया यहां भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा सो आपके पास यहां पे
x minus 1 is equal to plus minus 14 आ जाएगा, यानी ये जो constant होता है इसके साथ हम plus minus लिख देते हैं, यानी x minus 1 is equal to plus minus 14. So यहाँ पे finally x minus 1 is equal to plus 14 और x minus 1 is equal to minus 14. अब यहाँ होगा ये कि x minus 1 है, ये minus 1 equal sign के दूसरी side पर गया, plus 1 आ जाएगा. So x is equal to 14 plus 1, that is equal to 15. So x minus 1 is equal to minus 14. अब यहाँ से minus 1 equal sign के दूसरी side पर आया, plus 1 आ गया. So it will actually result into minus 13. यहाँ पे x की दो values आई, जो कि 15 और minus 13 है, जो कि ये इसका, और x की values को ही हमने find out करना था, ये इसका solution set है. So यहाँ पे x is equal to 15 आ गया और x is equal to minus 13 आ जाएगा. ये यहाँ पे minus missing है, ये minus 13 आ जाएगा. ये question complete हो चुका है. अगर इसमें किसी किस्म की आपको कोई confusion है तो आप हमें contact करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम queries को in time response दे सकें. Thank you very much.